नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वृष गुगारी। सबसे पहले बात बंद पर बवाल की करेंगे और खबर की शुरुआत रायपुर से करते हैं। राजधानी रायपुर में भी एससीएसटी के बंद का असर दिखा। भीम समाज ने रामनगर में रैली निकालकर बंद का समर्थन किया। दुकानें बंद कराने को लेकर कई स्थानों पर विरोध भी किया गया। दलित संगठन दुकानें बंद कराने के लिए टोलियों में निकले और इस बंद को कांग्रेस और जनता कांग्रेस ने समर्थन दिया, जबकि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का विरोध किया है। प्रदर्शनकारियों ने बीच सड़क पर चक्का जाम कर दिया। तो तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर स्वराज एक्सप्रेस आपको बता रहा है। तो दलित संगठनों का ये बंद है, एससीएसटी एक्ट में संशोधन को लेकर लगातार ये बवाल काट रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से लाइव जुड़ गई है स्वराज संवाददाता रजनी ठाकुर। रजनी, भीम समाज ने रामनगर में रैली निकालकर बंद का समर्थन किया। दुकानें बंद कराने को लेकर कई स्थानों पर विरोध भी हुआ है, झड़प भी हुई है। क्या ताजा हालात, क्या माकूल इंतजाम जिला पुलिस बल के द्वारा किए गए? बिल्कुल रश, देखिए सुबह बंद का आह्वान किया गया था और लगातार जो विरोध है वो उग्र होता जा रहा है। इस वक्त हम अम्बेडकर चौक में और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो एससीएसटी एक्ट में बदलाव किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये सड़कों पर उतरे हुए हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे मौजूद हैं और अगर बात की जाए कि सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं तो पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है। लोगों का आंदोलन उग्र हो उसको रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात की गई है। इसके साथ ही रायपुर कलेक्टर ने कल ही पूरा सिस्टम तैयार कर दिया था। 9 दंडाधिकारी जो है वो अलग अलग जगहों के, राजधानी के अलग अलग जगहों पे तैनात किए गए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो बंद है ये उग्र ना होने पाए। जैसा कि पूरे देश भर में हालात बन रहे हैं, कहीं पे हिंसा देखने को मिल रही है, कहीं पे चक्का जाम किया जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि अब तक रायपुर में जो भीड़ है वो हिंसा तो नहीं हुई है लेकिन उग्र जरूर हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं जोगी कांग्रेस और जो कांग्रेस है दोनों ही पार्टियों ने बंद को समर्थन दिया है और इसी वजह से यहाँ पे जोगी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो भी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भी है और साथ ही जो भीड़ सेना है वो भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बिल्कुल रजनी, जिस तरह से हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लगातार ये जो प्रदर्शन है, हालांकि जैसे जैसे दिन ढल रहा है प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है लेकिन उग्र नहीं हुआ है, क्योंकि अगर देश के हम अलग तमाम हिस्सों की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, राज्यों के शहरों की बात करते हैं तो प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। यहाँ पर क्या कुछ स्ट्रैटेजी यहाँ पर जिला पुलिस बल के द्वारा बनाई गई कि वाकई में हालात नियंत्रित हैं? बिल्कुल देखिए राष्ट्र सबसे ज्यादा जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो अम्बेडकर चौक में इकट्ठा हुई और पुलिस बल भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि बड़ी संख्या में मौजूद है। करीब 200 से 300 की संख्या में पुलिस बल तैनात की गई है और खास तौर से अम्बेडकर चौक में बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है। इसके साथ ही रायपुर की जो अन्य जगह है जैसे की गुढ़ियारी में सुबह कुछ झड़प की खबरें आई थी और दुकानों को बंद कराए जाने के दौरान जो है वो विवाद की स्थिति बनी थी, तो वहाँ भी पुलिस बल को बड़ी संख्या में तैनात किया गया है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है कि किसी भी तरह से हिंसा की स्थिति ना बने और जो आंदोलन है वो यहाँ न होने पाए। हालांकि भीड़ लगातार बढ़ रही है, महिलाएं जैसा कि आप देख सकते हैं महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है और लगातार जो आंदोलन है वो जारी है। पूरी सड़क हम कह सकते हैं कि पूरी सड़क जाम हो चुकी है, आने और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है और महिलाएं यहाँ पे खास तौर से बड़ी संख्या में देखा गया है। बिल्कुल रजनी, वहीं अगर हम इस पूरे प्रदर्शन की बात करते हैं तो जिस तरह से कांग्रेस ने, जो कि कांग्रेस ने समर्थन दिया है, कितना पॉलिटिकली माइलेज इन दोनों ही पार्टियों के द्वारा उठाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल एससीएसटी वोट जो है और कहा जा सकता है कि इसी वजह से और जनता कांग्रेस दोनों यहाँ पे अपना समर्थन जो है इस बंद को दे रही है। हालांकि भाजपा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद से असहमति जताई है लेकिन जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पे बड़ी संख्या में
شکریہ جانکاری کے لیے. تو لگاتار سوراج ایکسپریس بنا ہوا ہے ان تمام خبروں پر دیش کے